आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। किसान आंदोलन के समर्थन में आज पूरे देश में चक्का जाम का आह्वान है। इसी क्रम में पूर्णिया में किसान समन्वय समिति द्वारा पैदल मार्च निकाला गया। शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम से निकलकर ये मार्च विभिन्न मार्ग होते हुए आरंशा चौक पहुंचा। इस मार्च में विभिन्न दलों के किसान संगठन भी शामिल हुए। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। विरोध कर रहे संगठन के सदस्यों ने बताया कि सरकार द्वारा दोनों सदनों में पारित कृषि कानून के खिलाफ किसान का आंदोलन लंबे समय से चल रहा है। गणतंत्र दिवस पर हुए उपद्रव में किसानों पर हुई फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इतना ही नहीं, खबर दिखाने पर पत्रकारों को भी हिरासत में लिया गया है। इन सब का विरोध करते हुए ये मार्च निकाला गया है। वहीं बंद के समर्थन में पूर्णिया जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे। हाथ में पार्टी का झंडा थामे पप्पू यादव के कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। इस दौरान शहर का आरंशा चौक घंटों जाम रहा। आज देश भर में जो किसान चल रहा है, लगातार कृषि कानून जो लाए गए हैं, तीन काला कानून और MSP पर कानून बनाने के लिए ये प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे देश, और उसी के समर्थन में आज पूरे देश भर में जिला मुख्यालय पर चक्का जाम, धरना, प्रदर्शन, प्रतिरोध मार्च का कार्यक्रम है। इसी दरमियान हम लोगों का ये पूर्णिया जिला किसान संघर्ष समिति की ओर से सारे जितने भी किसानों के संगठन हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी इसे समर्थन दे रहे हैं। सारे लोग आज पूर्णिया में प्रोटेस्ट निकाले हैं, और जब तक ये कानून वापस नहीं करेगी ये सरकार, जब तक MSP पर कानून नहीं बनाएगी, जब तक झूठे मुकदमे में फंसाए गए किसानों को वापस ये कानून जो लगाकर गलत धाराओं में लगाकर जेल में बंद किए हुए हैं उसे बरी नहीं किया जाएगा। पत्रकारों को जो रिपोर्टिंग करते हैं, जो हमारे सोशल मीडिया के पत्रकार हैं खास करके, जब सही रिपोर्टिंग करते हैं तो उन्हें झूठे मुकदमे में फंसा कर ये सरकार प्रताड़ित कर रही है, और लोकतंत्र पर सीधा हमला है सरकार। कोई निकल आप पत्रकार भी कोई प्रोटेस्ट जो सही तस्वीर है इस देश की आंदोलन की, उसे आप नहीं पेश करेंगे। जब आप करेंगे तो आप चैनल वाले हैं, पत्रकार हैं, उनके ऊपर बॉर्डर पर हुआ है जो पत्रकार इसके लिए रिपोर्टिंग कर रहे थे, देखकर दुनिया ने उसको जेल में बंद किया। तमाम सवालों को लेकर यह आंदोलन है। इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को बदलने बचाने के लिए हम लोग आज अड़े हुए हैं, किसान अड़े हुए हैं, और जब तक ये संविधान बचाने के लिए कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोगों का ये प्रोटेस्ट जारी है। आज हम लोग जो है प्रतिरोध मार्च निकाले हैं, विरोध मार्च निकाले हैं, क्योंकि पूरे देश में 3 घंटा का चक्का जाम था, लेकिन बिहार में सारे हमारे नेता और किसान संगठन के लोग फैसला किए। बिहार में परीक्षा चल रहा है इंटर का, और भी इसलिए हम लोग विरोध निकाले हैं, और मेरा मुख्य मांगे है जो काला कानून वापस करें, और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की सभी फसलों की गारंटी करें, और जो दिल्ली में झूठा मुकदमा किसानों पर और पत्रकारों पर किया गया है वो झूठा मुकदमा वापस हो, और ये सारे मांगों को लेकर के आज हम लोग पूर्णिया में सारे किसान संगठन मिल करके आज हम लोग प्रतिरोध मार्च किया है, ताकि ये बहरा और अंधा सरकार देखे और किसानों की वाजिब मांग को माने। आज किसान के मुद्दे को लेकर किसान संगठन के द्वारा जो भारत चक्का जाम का आयोजन किया गया था, जन अधिकार पार्टी उसका समर्थन करती है। जहाँ सुप्रीमो पप्पू यादव के निर्देश पर जिस तरह से किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है, ये काला कानून लाकर देश को तोड़ने की साजिश रच रही है केंद्र सरकार, उसको नाकाम किया जाएगा, और किसान को आंदोलन को, किसान की जो मांग है उसे जब तक पूरा नहीं होगा, जो किसान का बिल पास किया कर दिया गया है, जब तक वो रद्द नहीं होगा, जन अधिकार पार्टी इसी तरह किसानों के साथ सड़क पर लड़ती रहेगी।